दोस्तों, जैसे कि आज है 1 सितंबर 2021 और मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि आप अपनी 12th बेस पर डिप्लोमा इंजीनियर के लिए यानी कि लेटर एंट्री बेस पर आप काउंसलिंग कैसे करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि आप अपना सीट जो आपको मिली है उसका रिजल्ट आप कैसे देख सकते हो कि आपको मिली है या फिर नहीं मिली है। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। जो भी आपने चॉइस फिलअप किया था, जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से करना चाहते हैं, डिप्लोमा मैकेनिकल से करना चाहते हैं या सिविल इंजीनियर से करना चाहते हैं, एनी जो भी आपकी चॉइस आपने फिलअप की थी, तो आज उसका रिजल्ट आने वाला है। तो आप कैसे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर मोबाइल फ़ोन है तो अपने आप खुद से भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ, आपकी फ़र्स्ट काउंसलिंग हुई थी तो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था ऑनलाइन, उसके बाद आपने अपनी चॉइस फिलअप की थी 25 तारीख को 8 को और 30 तारीख 8 इसकी एंड डेट थी। उसके बाद जो आपने चॉइस आपने लॉक की थी वो 25 तारीख से लेकर आप 30/8/2021 तक कर सकते थे। आज दोस्तों 1 तारीख है, जैसे मैंने आपको बताया है, और यहाँ पर आपको बताया गया है सीट अलाटमेंट रिजल्ट पब्लिश डेट, यानी कि आज 1/9/2021 है और 11 AM से आपका जो आपने सीट चॉइस आपने लॉक की है वो आपका दिखाया जाएगा कि आपको सीट मिली है नहीं। अब सिंपली आपको देखो क्या करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको साइट बताने वाला हूँ, यहाँ पर tech admission hry.gov.in लिख कर आपको गूगल में सर्च करना है तो आप हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की वेबसाइट पर आ जाओगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको चेक कैसे करना है सीट रिजल्ट, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, ये 11 AM के बाद स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये हाइड है ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये क्लिक नहीं होगा। यहाँ अभी 10:05 AM टाइम हुआ है। उसके बाद आपको चेक कैसे करना है, अगर ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा, सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला है लॉगिन हेयर का, सबसे पहले आपको अपना डिप्लोमा सेलेक्ट करना है, जैसे कि आपने लेटरल एंट्री पे किया है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर आपको एंटर करना है, जो भी आपका रोल नंबर होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना है, जो भी आपका पासवर्ड होगा। उसके बाद आपको ये सेम कैप्चा यहाँ पर एंटर करना है, अगर कैपिटल में है कैपिटल में करिए, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में करिए, काउंटिंग में है तो काउंटिंग में करिए। ये सब करने के बाद आपको सिंपली फिर क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आपने ये फिलअप किया है तो फिर सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा रहेगा डिप्लोमा इंजीनियर लेटर एंट्री, या फिर अगर आप 10th बेस पे करना चाहते हो तो ये लेटर एंट्री यहाँ पर कट जाएगा, खाली यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियर लिखा रहेगा। अब देखिए दोस्तों, आपको कैसे करना है, यहाँ से आपने अपनी चॉइस फिलअप की थी, उसके बाद लॉक की थी, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है प्रोविजन सीट अलाउड, उसके बाद आपको प्रोविजनल सीट अलाउड यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि आपने जो भी चॉइस फिलअप की है वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिली तो आप सेकंड काउंसलिंग करा सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि एदर रिजल्ट हैज़ नॉट बिन पब्लिश्ड, मतलब कि अभी रिजल्ट जो है पब्लिश नहीं किया गया है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा आ रहा है, तो यानी कि अभी टाइम बचा है। जैसे ही टाइम पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर वो शो हो जाएगा जो आपने सीट लॉक की है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है, तो आप दोबारा से इनकी वेबसाइट पर आ जाओगे। उसके बाद इसे आप अपनी जो वेबसाइट है, आपका जो प्रोफाइल है, उसे आप लॉग आउट कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप दोबारा से बैक आ जाओगे। उसके बाद आपको क्लोज विंडो पर क्लिक करना है तो अभी आप दोबारा से बैक आ जाओगे, या फिर आप दोबारा से इसे इस वेबसाइट को ओपन भी कर सकते हो इस तरह से। तो दोबारा से अगर आपको चेक करना हो, दोबारा से यहाँ पर अपना रोल नंबर वगैरह फिलअप करिए और कैप्चा एंटर करिए, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सारा इन्फॉर्मेशन। आप सभी कमेंट कर रहे थे कि हम अपना रिजल्ट कैसे चेक करें कि हमें कौन सी सीट मिली है जो आपने फिलअप में चॉइस में फिलअप की थी। तो फ्रेंड्स, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।